का डिसीजन है यार, बताओ क्या आज क्या हुआ। मूड एक हमारा बन गया, विशाल भाई का स्टेटस हमने देखा तो मैसेज किया, हमने कहा कहाँ जा रहे हो, तो ये भैया बैला, क्या नाम था, टेल बैला टेल बैला करके यहाँ फोर्ट है ना, तो यहाँ पे ट्रैकिंग करने जा रहे थे। तो हमारा भी एक एक मूड बन गया, रात को 10:30 बजे प्लानिंग है, और हमको छोड़ने यहाँ वाकड़ ब्रिज यानी पुणे के वाकड़ ब्रिज में छोड़ने आए हैं भाई विष्णु भाई साथ में। खर्चा जो भी हम बताएंगे, वैसे देखो 1700 पर मेंबर लगा, बस सीट भी खाली थी तो मेरा बुक हो गया। कॉन्टेक्ट करना चाहते हो इन लोग का, मतलब टीम जाता रहता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, बाकी आगे जो भी चीजें होंगी मजे लीजिए। हेलो गाइस, जैसा कि हम लोग यहाँ पे आ गए जहाँ पे घूमने आए थे, टैला बैला ऐसा ही ना। हाँ, हमारे साथ हमारे विशाल भाई जो कि एक्सपर्ट ट्रैकर हैं, बहुत पुराने, लगभग 5 सालों का एक्सपीरियंस है। और उसके बाद ही अगर एक मिस्टेक हो गई, यहाँ आके ऐसा फंस गए हैं जैसे लग, इधर देख रहे हो ये लेटने के लिए जगह है, और उसके बाद उधर अंदर लेटना है, वो मंदिर है भैरवनाथ, बाबा भैरवनाथ की। अब जितने लोग हैं, जैसा कि अभी वीडियो में आप देख भी लोगे, तो सारे लोग तो लेटने का अपना व्यवस्था लेके आए, यार हम लोग को पता ही नहीं था वेटिंग वगैरह लाना है लेटने के लिए, और मेरा तो फर्स्ट टाइम था, और इनका तो कोई एक्सपीरियंस पाया नहीं। मिस्टेक इस वजह से हुई कि अक्सर मैं सोलो ट्रैक करता हूँ, तो सोलो ट्रैक करते वक्त जितना भी सामान है मैं साथ में लेके जाता हूँ, लेकिन इस वक्त ऐसे हुआ कि उनके साथ आए नए ऑर्गेनाइजर जो थे, जिन्हें ग्रुप के साथ आया हूँ, मैंने ऐसे अज्यूम कर दिया कि वो एटलीस्ट हमको मैट तो प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो मैक्सिमम जितने भी ट्रैकिंग ग्रुप वाले होते हैं वो टेंट विथ मैट इतना तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे। इन्होंने मंदिर में जाके बोला कि मंदिर में जाके सो जाओ, तो अपना अपना सब लोग लेके आए, और मैसेजेस ठीक पढ़ा नहीं हमने, उसमें इंक्लूड किया था कि बेडिंग का सामान खुद कैरी करना है बोल के। हाँ, तो प्लान ये है, मैं ऐसे थोड़ा सही तो पढ़ लेना करो, नहीं तो मेरी तरह ही हो जाए, मेरा तो इंस्टेंट प्लान बना, मेरा तो कुछ देख सकते हो छोटा सा बैग ले जाऊँ। अब रात भर देखो कैसे सो के कैसे गुजारता हूँ, बैठ कैसे गुजार रहा हूँ, ये खा के चिप्स वगैरह। ठंडी सुबह में सुबह का पहला ब्रेकफास्ट हुआ है, और सेकेंड ब्रेकफास्ट है ये चने का, और सामने दिख रहा है हमारी जो मंजिल है, साहिल की मंजिल, वो आपको सामने दिख रही है, और इस साइड में मंजिल वाला साहिल चने चबाते हुए। और यहाँ पे हमने स्टे करने का प्लान किया था, लेकिन हुआ नहीं क्योंकि हमने बेडिंग लाई नहीं, तो इसके पीछे हमारी गाड़ी लगी हुई है, और उस गाड़ी में हमने आज स्टे किया था। तो गाइस, जैसा देख सकते हो हमारी टीम चल चुकी है, हम लोग काफ़ी पीछे जा चुके थे, और लेकिन यहाँ पे हमारी टीम मिल चुकी है पूरे, काफ़ी लोग टीम के लोग आगे जा चुके हैं। और यहाँ पे देख सकते हो जिसमें हमें चढ़ाई करनी है, क्लाइंबिंग करनी है, वो पहाड़ वही पहाड़ है जिसमें हम क्लाइंबिंग करेंगे, ये वाला। और असल में साइड में भी काफ़ी ऐसे हैं, नाम तो नहीं पता, इधर देखोगे बहुत ऊँचे, बट ये लोग जब लेके आते हैं, आप इन लोग के साथ आओगे तो एक ही कराते हैं, अगर आप सेल्फ आते हो बाइक वगैरह से तो आप जितने आसपास के हों सारे कर सकते हो, बट हमने कभी किया नहीं था, इसलिए जो इन लोग का मैनेजमेंट है इन्हीं लोग के साथ आया था, पूरी टीम के साथ तो बेस्ट रहता है, गाइडेंस रहती है, तो ज़्यादा जरूरी है फर्स्ट टाइम आओ तो एक बार टीम वगैरह के साथ आइए। बाकी चल रहे हम टीम के साथ वहाँ पे, उस पर क्लाइंबिंग करने, और हमारे साथ जो एक्सपर्ट यानी लगभग ट्रैकिंग के एक्सपर्ट हैं विशाल भाई। एक्सपर्ट नहीं है लेकिन ट्रैकिंग किया हुआ है बहुत सारे, लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस तो है ही ना। नहीं, इतना नहीं है, अभी रिसेंटली एक दो साल से ज़्यादा कर रहा हूँ, उसके पहले मैंने कर चुका था ट्रैकिंग, लेकिन ज़्यादा अभी 1-2 साल से मैंने कर रहा हूँ। तो 1-2 साल से ज़्यादा करें, बाकी उसके पहले से, यानी 5 साल एवरेज हो चुका है, बट थोड़ा होल्ड कर करके ये कर रहे थे। अब बाकी आगे देखो लोग जा ही रहे हैं, अब देखो आगे का क्या व्यू है यार, इस बल्कि सामने से बहुत ऊँचा पहाड़ है, बट ये मोबाइल में उतना ज़्यादा व्यू आ नहीं पा रहा है ना, आप लोगों को लग रहा होगा बड़ा छोटा सा है,
बट एक्चुअल छोटा है नहीं कि मोबाइल में वो चीजें नहीं दिख पाती है। ऊपर से फॉग भी है, इधर से फर्स्ट लाइट भी आ रही है, मॉर्निंग हुई है, सूरज की लाइट फॉग से आ रही है और फॉग में पूरा कवर हो चुका है। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि टाइम लैप्स से वो पूरा फॉग निकलने तक हम वेट करें, क्योंकि पहले से हम पीछे हैं, क्योंकि हमारा जो ग्रुप था वो आगे निकल चुका है। नहीं तो फ्रेंड इसका टाइम स्लैब बनाते इतना गजब का था ना, देख के रह जाते। बट लेकिन टाइम स्लैब के लिए टाइम देना पड़ेगा, ट्राईपैड में लगा के रखना पड़ेगा मोबाइल को। बट फॉग क्योंकि स्लो स्लो चल रहा है, टाइम स्लैब लगाने के बाद एक अलग ही व्यू आएगा। बट लेकिन टीम एक तो आगे चल चुकी है और हम ज़्यादा चलना ही पड़ेगा, बाकी चलते हैं। जो भी एक्सपीरियंस होगा, जो भी मजे होंगे, साथ में जुड़े रहिए और इन्जॉय करते रहिए हमारे साथ, हमारे और फ्रेंड। अभी से हालत डाउन हो चुकी है मेरी एकदम, मतलब थकान लग गई, तो फर्स्ट टाइम है ना, क्या बताएं। और यहाँ के बड़े रास्ते खराब हैं, देखो कितना लंबा चढ़ना पड़ेगा। सीन गजब की आ रही है फ्रेंड, देख रहे हो, जरा से अगर आपका स्लिप कटा तो बचोगे नहीं साला। स्लिप कटा तो आप लोगों का फट जाएगा फिर, बड़ा खतरनाक है। कैसा बगल अगर नीचे देखो ना तो डर लग रहा है, बाकी सीधे चलते रहो कोई इशू नहीं, बगल अगर देख रहे हो तो डर लग रहा है। बहुत से हरे लोग हैं यहाँ, पूरा देख रहे हो आगे पूरी टीम जा चुकी है। नहीं सूरज नहीं दिख रहा हमें लगभग फ्रेंड, देखो तो यहाँ पे ट्रैक करने में लगभग हम लोग को आधे घंटे लग गए, ट्रैक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बट अब क्या है, पे क्लाइंबिंग करनी होगी और यहाँ पे काफ़ी फ्रेंड लोग हैं, पूरा ग्रुप है। और यहाँ पे देख सकते हो ये जो क्लाइंबिंग हल्का सा दिख रहा है, फॉग की वजह से एकदम बिल्कुल दिख नहीं रहा, देख रहे हो एकदम हल्का सा। तो इस पर अब क्लाइंबिंग करनी होगी, काफ़ी ऊँचा है, अब यहाँ पहुँच गए, अब ट्रैकिंग तो हो गई। बहुत डरावना सीन है यहाँ पे लोगों के, मतलब एकदम वाट लग जाती है, डर जाते हैं लोग। भैया खड़े हो जाइए एक बार, आपका वीडियो ले बना रहे हैं और पूरा पोज देख रहे हो फ्रेंड लोग, एकदम डर रहे हैं, किसी तरह खड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पे देख देते हो फ्रेंड, अभी मैं भी जाने वाला हूँ, मेरा क्या होता है, मेरा तो फर्स्ट टाइम, ये लोग काफ़ी पुराने ट्रैकर भी हैं, मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा, जो भी होगा देखते हैं बताते हैं आपको। एकदम देख रहे हो खड़े होने में, आप किसी तरह उतर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ अगर फिसल गए तो बचोगे नहीं, वैसे भी कहीं से भी फिसल जाओगे तो बचने वाले नहीं हो। एकदम नक्शे का माफिक तो दिख रहा है नीचे की, नीचे के जो लोग हैं फ्रेंड देख रहे हो, अब विशाल भाई वहाँ खड़े होने जा रहे हैं, जो ऊपर जो टुंडी दिख रही है भाई, वहाँ पे कहते हैं जान बॉडी लग रहा है खींच जाएगी, एकदम गिर जाएगी, मैं तो खड़े नहीं हो पाया। अब विशाल भाई जा रहे हैं, विशाल भाई तो काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है, इनको डर नहीं, यहाँ पे आके जरूर टलाई करना टेल बैला में, लोकेशन इसका डाल दूंगा यार कसम से, फोटो खड़े होकर जो खिंचा ले, समझो काफ़ी बार कर चुका है पर फर्स्ट टाइम तो हिम्मत नहीं। देख रहे हो ऐसा लग रहा है वो भाई एकदम, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, बिंदास होकर, मेरी तो भाई वाट लग गई क्या बताएं। मतलब वो जो सीन था आप देखो वहाँ सेल्फी वगैरह, लेकिन डर फर्स्ट टाइम डरोगे, पूरी बॉडी मेरी पैर कपने लगता है। विशाल भाई तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, उनका कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। बाकी अब यहाँ पे आ गए, कोई मेरा ट्रैकिंग भी एक्सपीरियंस हो गया ऐसे। अब देखो यहाँ का सीन आप देखो कितना ऊँचाई है, एकदम करीब में है, प्रेजेंट टाइम करीब में, एकदम अल्ट्रा वाइड करते हैं, ये देख रहे हो अभी भाई बहुत ऊँचाई है भाई, बहुत टॉप पे आने जाने वाले हैं और वहाँ टॉप पे भी ऊपर हम दिखेंगे, ऊपर से फोटो लिए। और नीचे अगर देखते हो नीचे के लोग भाई, नक्शा दिख रहा है ऐसा लग रहा है भाई, नीचे अगर अगल बगल देखते हो ना तो प्रॉब्लम होती है ज़्यादा, मतलब प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसे मुझे मतलब मेरी बॉडी को खींच रही है, मतलब ऐसा महसूस ही होगा ना कि मेरी बॉडी खींची चली जा रही है और हम यहाँ मतलब जाने वाले हैं, अगर बगल की देख रहे हो इतना मतलब खतरनाक होता है। अगर बगल नहीं देख रहे हो सीधा स्ट्रेट देखो, बगल देखो इधर ज़मीनें हैं पहाड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बस बग वगैरह करने के लिए, तो कौन से भगवान की हो तो जाके पता चलेगा। विशाल भाई आगे आ गए,
भाई कसम से रास्ते तो ऐसे हैं, जरा सा एक कदम मतलब अगर गलत हुआ ना भाई, ये कहाँ जाओगे पता नहीं, कितने पाताल में भाई, इतनी ऊंचाई पे हैं, नीचे देखने के बाद ना कसम से क्या बताएं, मेरी वाट लग रही है, तो गाली देने वाले गाली देते। अब यहाँ पे कौन से भगवान की मूर्ति है, चलो अपन फोटो काढायला परत जाऊ। आधे घंटे में आ जाएगा, आधे घंटे में आ जाएगा, भागो नीचे भागो, यहाँ पे इसको यार कैसे चलेंगे, बड़ा देखने में आग लग रहा है, चल चल बोल्ट मार, मैं इमेजिन कर सकता हूं, 3-4 फुटा मार, बड़ा खतरनाक दिख रहा है, ठीक है अगर सपोर्ट भी रहेगा, बट तू आधा पे ले सकता है, काम करेगा लेकिन भुतला फूटेगा, स्लिपी है ना एकदम, यस तो ऑप्शन तो नहीं, हम लोग कर नहीं सकते क्या, कोई भी ट्रैक नहीं, हम लोग प्लान भी रेडी रखते हैं हमारे पास, और यहाँ पे भी हमारे पास प्लान भी रेडी है, टेक्निकल इवेंट ही है वहाँ पे भी, ऐसा नहीं कोई ट्रैक करना है, ट्रैक करके जाना है 1 आवर का, तो वहाँ के बाद यहाँ पे 1 आवर के बाद ट्रैक के बाद शायद हम लोग जाएंगे एक इसके ऊपर, केव के ऊपर जाएंगे, थाना है लेनी, कोई आएगा ऐसे, कौन तरी थाना है लेनी आएगी, तो कौन है थाना है केव करके है, गिले कर तिकडे ट्रेक कर गेले असेल ना, तर आपण त्याच्यामध्ये वरून टॉप वरून ते केव मध्ये आपण अप्लाई करायचा प्लॅन करतो, ऑप्शन सेफ आहे सर, टेक्निकल ऍक्टिव्हिटी आपको वहां पे भी मिलेगी और ट्रेक भी हो जाएगा, ट्रेक भी हो जाएगा, बाकी डिसिजन आप लोग का, प्रॉब्लेम नाही आहे, सेटअप होईल सगळं होईल, तुम्ही करताना प्रॉब्लेम तुम्हाला होईल, कोण कोण रेडी आहे त्या प्लॅन साठी, आप लोग का डिसिजन है यार, बताओ क्लाइंबिंग करने के लिए आए थे तो यहाँ पे अगर अगर ये चूज करते हो तो एक ऑप्शन है, सबको 2 ट्राई मिलेगा, अगर पैर स्किट होता है तो उसको नीचे उतार पड़ेगा, समझना है बात को, अगर पैर स्किट होगा तो हम नीचे उतार देंगे, वापस चांस नहीं देंगे, क्योंकि ये रिस्की है और आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, प्लान ए ये है, प्लान बी वो है, तो आप लोग का डिसीजन, प्लान बी किधर है, प्लान बी है किधर, आम्हाला फोटो काढण्यासाठी ठेवत नव्हे, तिकडे मग आता फोटो कसं काढायचं, फ्रेंड जैसा कि देखो हम लोग आए तो थे, आपको जैसे कि सीन आप देख ही लिए होगा वीडियो में, अब हुआ क्या, यहाँ पे आने के बाद जो गाइडर है वही नहीं चढ़ पा रहे, इतना हार्ड रिस्की है, सरक सरक गिर जा रहे हैं, सरक नहीं वो एक्सपर्ट है लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा सा स्लिपरी हो गया है, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए वो बोल रहे थे कि हमारे पास प्लान बी है, यहाँ से एक लेनी केव्स है, उधर से हम रैपलिंग करेंगे और उस केव्स का ना उस एक्टिविटीज का आनंद लेंगे, लेकिन हम आए थे एक क्लाइंबिंग करने के लिए, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड जरूर है लेकिन रिस्क भी आने बहुत है कि बारिश में आने थोड़ा सा स्लिप हो जाता है, इसलिए तो रिस्क है, यानी जान जा सकता है, तो जान से बढ़ के कुछ नहीं, इसलिए बी प्लान वो लोग चेंज कर दी खुशी, यानी जो एक्सपर्ट
जैसा कहा हम लोग क्या हुआ वहाँ तो क्लाइंबिंग जो एक्सपर्ट लोग थे वही नहीं चढ़ पाए तो वहाँ कैंसिल कर दिए, रिस्की था ना, लोग मर वर जाते गिर के, तो इसी वजह से कैंसिल हो गया। तो यहाँ थानावे कैबे करके तो इधर लेके ट्रेकिंग है, राफ्टिंग होगी प्लस राफ्टिंग होगी ना, राफ्टिंग कराएंगे ना इधर, रैपलिंग कराएंगे, बी प्लाने लोग रखे थे तो वो कर दिए क्योंकि रिस्की है, पानी वानी भरा था, बहुत ज़्यादा स्लिपी है, तो जो एक्सपर्ट लोग हैं वो नहीं चढ़ पा रहे थे जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही, तो इसलिए इधर राफ्टिंग करने आ गए हैं। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा थकान लगी थी, चिक्की पहाड़ों पे चिक्की खा रहे हैं भाई, खाना होगा तो आ जाना मेरे साथ खा लेना कभी, अगर शौक लगे जिसको। साहिल भाई इधर थोड़े से गिर गए, एक्साइटमेंट के मारे इतना उछल रहे थे कि वो फिसल के गिर गए, शायद चोट लगी होगी, उसको पूछते हैं बाद में। और जगह भी इतनी स्लिपरी है, कहना है फिसल जाएगा। काफ़ी ऊपर चढ़ चुके एकदम, तो हालत डाउन हो गई यार, इतना मतलब ऊंचाई पे हैं, क्या बताएं, पता नहीं कितना किलोमीटर होगा, एकदम हालत पता भाई, हालत ख़राब हो जाती है। बाकी जो भी निगेटिव रिव्यू होगा पॉजिटिव सारा लास्ट वीडियो में भी देंगे हम लोग, थोड़ा कर ले राफ्टिंग वगैरह। उसके बाद विशाल भाई हैं, मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बाकी क्या कमियाँ वगैरह हैं वो विशाल भाई बताएँगे सही से, तो हम लोग जानना चाहेंगे विशाल भाई से। हाँ, जो भी है वो ऑनेस्ट रिव्यू रहेगा, ऐसा नहीं कि सब कुछ निगेटिव होगा या फिर सब कुछ पॉजिटिव होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे ट्रेकिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके साथ ट्रेक किए हुए हुए, तो कहाँ पे कम पड़े, कहाँ पे ज़्यादा हुए, कहाँ पे अच्छा हुआ, ये सब कुछ मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो फिर आपको भी अगर नेक्स्ट टाइम से कहाँ पे ट्रेक पे जाना है तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपका जो ट्रेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो चूज़ कर सकते हैं। और वीडियो पूरा देखना भाई लोग, तभी समझ में आएगा, बहुत एक्सपीरियंस इसमें पाओगे, पर ट्रैकिंग करने के लिए आप लोगों के लिए बहुत सेफ्टी होगा अगर ये वीडियो पूरा देखे तो। फायर में मिलेगा वो नीचे से, अगर आप रैपलिंग भी कर रहे हो यहाँ से और हम लोग भी लूट छोड़ रहे, लेकिन अगर वो बंदे ने ये रोप नीचे से खींच दिया तो आप वहीं पे हैंग रहेंगे, तो आपको अगर फॉल वगैरह होता है तो वो बंदा वो रोप खींचता है और वहीं पे आपको हैंग करता है वो, तो डरने की जरूरत नहीं। तीन सेफ्टी, ट्रिपल सेफ्टी है आपके पास, आपके हाथ में कंट्रोल है, टॉप बिलर के पास नहीं आपका कंट्रोल है, और नीचे जो फायरमैन बिलर है उसके पास नहीं आपका बिलर है, आपको खाली पोजीशन प्रॉपर रखनी है, पहले में 1.5 फीट का डिस्टेंस लेना है, आपका पोजीशन ऐसा रहेगा पूरा नी टाइट और लोड बैक, नी टाइट लोड बैक और रोप फीड करना है बस, ये मुड़ना नहीं है, ये लागेल लागेल डोयाला, ये मुड़ना नहीं है। हाँ, मुड़ा सकते हैं आप, आपका घुटना है ना, मुड़ा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर बैलेंस रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए, आपका पैर ऐसा कंटिन्यू साथ में लोगे तो आपका डिसबैलेंस हो जाएगा, तो इसके 1.5 फीट का मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। एक डिसेंटर दो निकाल के वहाँ से पीछे झुको ऐसा, जैसे नीचे जाओगे वैसे पैर नीचे चलते रहो, यस यस, फोटो खींचा नहीं, हाथ हाथ पीछे, हाथ पीछे, वो हाथ पीछे, हाँ ऐसे चलते जाओ, ऐसे डरो मत, वेरी गुड, चलो वेरी गुड, स्टेप बैक लेना, हाँ फोटो लेकर ना, हाँ हाथ छोड़ दो दोनों छोड़ दो, खींच देना फोटो, क्या डिस्टेंस रखो, एक बीता ना डिस्टेंस रखो, ऐसा लोड बैक, पूरा लोड बैक, स्टेप बैक, लोड बैक, स्टेप बैक, और नी टाइट रखना है बस, डरो मत, आराम से जाओगे, चलो इजी स्टेप बैक ले लो, यस यस यस, पूरा लोड बैक, हाँ यस, वेरी गुड, स्टेप बैक, वेरी गुड,
पर मैं डिस्टेंस रखो, बैलेंस होगा, बैलेंसिंग होगा, हाँ बैलेंस बनाओ प्रॉपर। वेरी गुड, चलो चलो चलते रहो चलते रहो, नीचे करो खींचो, हाँ राइट हैंड से पीछे करो खींचो, तभी तुम नीचे जा पाओगे। वेरी गुड, आ रहा है मजा आ रहा है, फटी पड़ी हुई है उसकी। नीचे देखो उधर, पीछे देखना, पीछे हाँ पीछे देखना। चलो जाओ जाओ, मजा आ रहा है, चलो चलो चलो। मजबूत रहा हेलो फ्रेंड, फाइनली हम लोग क्या है ट्रैक से वापस आ गए हम और विशाल भाई, लेकिन हालत ख़राब हो गई। मेरा फर्स्ट ट्रैक था, इतना लंबा इतना लेंथी था ना, पहाड़ चढ़ते चढ़ते उतरते उतरते कम से कम 15-20 किलोमीटर तो चल ही नहीं होंगे। हाँ, जाने का 7 किलोमीटर, आने का 7 किलोमीटर और इधर का कुछ 2 किलोमीटर पकड़ लो, ये जाने का 2 आने का 2, तो तकरीबन एक 16-17 किलोमीटर हो गया है कि हम चल रहे हैं सुबह से। और फिलहाल अभी खाना हो गया है, खाने में हमारी राइस की रोटी थी, छोले थे और चटनी थी और दाल थी, राइस था, ऐसा है ना, खाना था सिंपल खाना था लेकिन अच्छा था क्योंकि भूख इतनी लगी थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था हम लोगों ने, तो बहुत बढ़िया लगा खाना खा के। अभी हम आपको बताने वाले कि हम किसके साथ गए थे और ये जो जगह पीछे देख रहे हो वो कहाँ पे है। इस जगह का नाम है तेलबैला और ये पुणे से तकरीबन 85 किलोमीटर्स है और एक दो और ढाई घंटे का रास्ता है। आप दोनों जगह से जा सकते हो, एक तो लोनावला से जा सकते हो, नहीं तो मुलसी से जा सकते हो। तो यहाँ पे आना है, आपको ट्रैकिंग करना है तो आपके साथ कौन सा तो एक्सपर्ट गाइड ही चाहिए विद वो पूरे इक्विपमेंट जो भी है, रोप है आपका, कैरबिनर है, डिसेंडर है, तो वो सारी इक्विपमेंट आपको आना ही साथ में चाहिए। अभी हम आए थे इधर शिलेदार बोल के एक ट्रैकिंग ग्रुप है, शिलेदार इंडिया बोल के ट्रैकिंग ग्रुप है, उनके साथ हम आए थे और उन्होंने 1700 रुपये लिया है हमारे का जाने आने का, सुबह का ब्रेकफास्ट और दोपहर का लंच का, जाते समय भी अभी शायद देंगे, अगर लेट नहीं हुआ तो नहीं देंगे। तो अभी ये जो ग्रुप्स ऐसे जो होते हैं ना, हाथ दर्द करने लगा है क्या? हाँ, ये जो ग्रुप्स जो होते हैं, ये बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं, जैसे सिलेदार है, अभी मैं जिनके जिनके साथ किया है वो है ट्रैक पांडा है, देन ट्रैक वेड़े है, सौ सफर है, गिरी प्रेमी है, इनके साथ ट्रैक्स कर चुका हूँ तो इसलिए मुझे पता है कि वो क्या क्वालिटी देते हैं, कितने पैसे लगते हैं, तो उस हिसाब से कंपैरिजन करके मैं आपको बताऊँगा कि इधर क्या कम हुआ और क्या ज़्यादा हुआ। तो मैं तो पहले ना साहिल भाई को ना रिक्वेस्ट करूँगा कि क्या अच्छा लगा इस ट्रैक पे, तो वो बताओ। देखो मेरा फ्रेंड क्या है, फर्स्ट टाइम ये ट्रैक था ना, तो मेरे लिए मतलब नया था, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और एक्सपीरियंस मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन शरीर पूरी टूट गई, इतनी दर्द कर रही है ना, क्या होता है बताइए, मन कह रहा जल्दी से हम पहुँच जाएं अपने रूम पे और नहा धो के सो जाएं। अब 4 दिन मैं उठने वाला नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा इतना लंबा ट्रैकिंग था, इतना लेंथी था, मतलब जैसे सिंपल चलना होता 25 किलोमीटर में चल लेता, लेकिन ये क्या है 15-20 किलोमीटर जो भी था, पहाड़ के ऊपर चलना, वो भी पतले पतले 2 कदम के रास्ते, अगर एक कदम बाहर कर दिए तो ऊपर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे आसमान में, ये वाला हाल है। मतलब बगल में देखता था तो पैर मेरे कांपने लगते थे, लेकिन मैं क्या करता था, फिर साइड में देखता था जिधर पत्थर दिखते थे, मतलब इस साइड नहीं दिखती जिधर खंती दिखती थी, तो इस वजह से मतलब डर नहीं लगता था। बाकी धीरे धीरे जब नॉर्मल ज़्यादा दूर चला गया तो बॉडी सही हो गई, कांपना बंद हो गया, नहीं तो फर्स्ट टाइम था कांप रही थी बॉडी। तो इनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा बुरा रहा क्योंकि ज़्यादा लेंदी ट्रैक था, ज़्यादा चले, ज़्यादा बॉडी को है ना एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी थी, पानी का है ना, पानी तो साथ में लेके आने घूम रहे थे, लेकिन खाने के मामले में सुबह से सिर्फ नाश्ता और वो चने खाए थे, आपको वीडियो में आने दिखाया होगा, उतने पे ही थे। अभी मैं ये जो ग्रुप है, ग्रुप के बारे में बताता हूँ, ये शिलेदार बहुत पुराना ग्रुप है,
लेकिन ये इनके साथ फर्स्ट टाइम था। इनके क्या चीज़ें अच्छी लगी वो पहले बताता हूँ। इनका ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा था, अच्छे से इन्हें लेके आए। इधर का ब्रेकफास्ट भी हेवी ब्रेकफास्ट दिया, न्यूट्रिशन वाला ब्रेकफास्ट दिया, चने दिए थे हमें। बाद में खाना भी इनका अच्छा था। और ऊपर से जो उनके टीम लीडर्स थे उनको प्रॉपर नॉलेज है ट्रेकिंग की प्लस क्लाइंबिंग की, नहीं तो रैपलिंग की, उनको प्रॉपर नॉलेज है उन लोगों की। लेकिन अभी डिसएडवांटेज मैं बताता हूँ कि इनका क्या अच्छा नहीं लगा हमें। इनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं लगा दो जगह पे। पहले तो जहाँ पे वो जो पीछे दिख रहा है ना ये वाला इसके हाथ के ऊपर, तो उधर का हम जाने वाले थे उधर, लेकिन वो थोड़ा सा स्लिपरी होने के कारण उन्होंने मना कर दिया और प्लान बी बता के हमको लेके गए दूसरी जगह पे जो प्लान में था ही नहीं। तो इधर एक मिसमैनेजमेंट हुआ। दूसरी गलती उनसे ये भी हुई कि वो स्टार्टिंग में काउंटिंग नहीं किया, हमें पीछे छोड़ के चले गए और वो हमारी जिम्मेदारी पे आगे चल के उनको ढूंढ लिया। और थर्ड गलती उनसे ये हुई कि जब हम जा रहे थे प्लान बी जहाँ पे रैपलिंग करना है, वहाँ पे उन्होंने आधे में ही आधा ग्रुप आगे गया था, आधा ग्रुप पीछे था, और जो उनके साथ थे उनको भी रास्ता न मालूम होने के कारण हम गलत रास्ते पे 1 किलोमीटर गए और फिर से वापस आए। तो ये सारी चीज़ें हुई जिनके कारण मुझे इनके साथ का जो एक्सपीरियंस है ऑनेस्टली बोलूँगा इतना कुछ खास नहीं लगा। लेकिन बाकी उनका ट्रेनर का जो नॉलेज है वो प्रॉपर है, उन्होंने ट्रैक कर चुके हैं, इधर पहले जा चुके हैं और बहुत एक्सपर्ट है। लेकिन इस बार मुझे मज़ा नहीं आया। और आपको कुछ बाकी वीडियो फ्रेंड अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और विशाल भाई का अगर मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हो तो विशाल भाई का चैनल सब्सक्राइब कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक। अगर मेरे चैनल पे आप सब लोग देख रहे हो तो साहिल की मंजिल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और जरूर शेयर करना। आपको बहुत मजा आएगा साहिल के वीडियो देखते। ठीक है देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यस, थैंक यू, बाय।